बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में बुधवार को पप्पू यादव की जन अधिकारी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। इसीलिए दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी। दरअसल पप्पू यादव के कुछ समर्थक अचानक से पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जिस पर कांग्रेस के सीनियर नेता मोहन प्रकाश उन्हें टोकते हुए बोलते हैं, पप्पू जी ये सब यहाँ नहीं चलेगा। जिसके जवाब में पप्पू यादव कहते हैं कि ये सब कांग्रेस के ही हैं, चिंता मत कीजिए। बता दें कि साल 2015 में पप्पू यादव ने जन अधिकारी पार्टी की स्थापना की थी और उसके बाद वे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी लड़े, लेकिन अपनी बनाई पार्टी से इन क्षेत्रों में उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिली। यही कारण है कि उनकी जिस पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ उससे विधायक सांसद तो दूर, उससे सीधे जुड़े मुखिया सरपंच तक नहीं है। हालांकि पप्पू यादव के साथ समर्थकों का एक हुजूम जरूर होता है। पप्पू यादव लोकसभा के 6 चुनाव लड़ चुके हैं, 5 बार रहे विजय, 1 बार विधायक भी रह चुके हैं। 2014 में राजद प्रत्याशी के रूप में मैथुरपुरा में शरद यादव को पराजित कर पप्पू यादव की बड़ी उपलब्धि। 2015 में उनकी पार्टी 40 विधानसभा क्षेत्रों में लड़कर हर जगह हार 2% वोट मिले। 2019 में मैथुरपुरा में 9,07,631 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। जदयू से हार गए थे शरद यादव और अब वो फिर से इसी राह पर चल रहे हैं।